हम लोग कल देखे थे स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, स्क्रीन तो ठीक है ना, विजिबल फॉन्ट तो ठीक है, दिख पा रहे हो इतना में? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है बेस्ड ऑन है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे है बेस्ड ऑन? पहले तो बात होता क्या है, कंटिन्यूटी होता क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, ठीक है, सपोज दैट इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो कि आपका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मान लो कि आपका ए वन है, और यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मान लो कि ए टू है। ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड जो है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो वेलोसिटी है मान लो कि कितना है, वी वन है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना है, वी टू है। अब बताए थे कि हर क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, ये भी पता चलेगा। वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, बता रहे थे कि ए बी सी, अगर अलग अलग पॉइंट लेते हो ए बी सी डी, ठीक है, अगर पॉइंट आप अलग अलग लेते हो तो हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन टाइम के साथ ये वेलोसिटी क्या करेगा, वेरी नहीं करेगा। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी, ये डिपेंड करेगा कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, उसी को रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी वन वी टू किस तरह से वेरी करेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका वेरी करेगा। ठीक है, यानी ए वन ए टू, वी वन वी टू में जो रिलेशन आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कैसे आएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो जैसे देखोगे, मान लो सपोज दैट कि यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, आपका आउट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज दैट कि डेल्टा टी टाइम में जितना अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा, ठीक है, मान लो कि एम अमाउंट ऑफ वाटर क्या किया है, इन किया है, तो डेल्टा ही टी टाइम में क्या होगा, एम अमाउंट ऑफ वाटर आउट होगा कि नहीं होगा। जितना मास इंटर करेगा इधर साइड से, जितना वाटर इंटर करेगा उतना ही वाटर क्या होना चाहिए, यहाँ से आउट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ वाटर क्या होगा, एक्यूमुलेट होती जाएगा, होती जाएगा, होती जाएगा। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, पूरा का पूरा वाटर उसमें भरा हुआ था, जितनी खाली था सर, खाली में ऐसा होगा कि जितना वाटर जाएगा उससे कम वाटर बाहर आएगा, लेकिन पूरा का पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पाइप में जगह खाली है। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, पूरा का पूरा भर गया है। ठीक है, उस केस में देखोगे तो जितना वाटर इन करेगा उतना ही वाटर आउट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, वेरी यस गुड सर, यार, म्यूट अनम्यूट करके बोल दिया करो यार, थोड़ा हमारे लिए भी। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्योंकि मान लो कि डेल्टा टी टाइम में अगर हम पूछे कि कितना मास इन किया होगा, ठीक है, अगर मास इन की बात करें तो कितना मास इन होगा, तो मास इन की बात करें, ठीक है, तो देखो डेल्टा टी टाइम में अगर वेलोसिटी यहाँ पे वी वन है, वेलोसिटी अगर वी वन है तो इसके जस्ट एम बगल में क्रॉस सेक्शन एरिया बनाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया मैंने, जिसका थिकनेस मान लेते हैं कि कितना है, डेल्टा एक्स है। थिकनेस कितना है, डेल्टा एक्स मान लेता हूं मैं, थिकनेस कितना है, डेल्टा एक्स बने। तो देखो अगर मैं जस्ट इसके बगल में एक और क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हूं तो ऑलमोस्ट जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है। डेल्टा एक्स यानी जितना वेलोसिटी यहाँ पे होगा लिक्विड का, जस्ट उसके बगल वाला देखो तो क्या होगा, उतना ही होगा, चेंज तो नहीं करेगा। ठीक है, उतना ही वेलोसिटी होगा। तो अगर हम बोले कि बताओ डेल्टा टी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर क्या क्या होगा, इन क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम बना, ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम बना होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या क्या होगा, इन क्या होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या क्या होगा, इन क्या होगा, कितना वॉल्यूम कितना होगा, तो वेलोसिटी कितना है, वी है। ठीक है, तो वी इंटू V
वन इंटू डेल्टा टी की बात करें, वी वन इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स वन होगा कि नहीं होगा, ये जो लेंथ होगा ठीक है, यही पार्टिकल क्या किया है तो डेल्टा टी के बाद यहां तक पहुंचा है ठीक है, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो पूरा का पूरा क्या हो गया होगा तो डेल्टा एक्स टी टाइम के बाद यहां तक पहुंच गया होगा ठीक है, यानी डेल्टा एक्स वन देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो वी वन इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, वी वन इंटू डेल्टा टी हो जाएगा ठीक है। अगर मान लो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए वन है, ये तो आपका लेंथ आ गया, जो एलिमेंटल पार्ट है उसका लेंथ कितना जाएगा, तो डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां तक मूव मूव करिया है तो वी वन इंटू डेल्टा टी इसका क्या जाएगा, लेंथ हो जाएगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इस छोटे से जो एलिमेंटल पार्ट बना है ठीक है उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कि एक एरिया लिए, इसके बगल में मैंने एक और एरिया ले लिया ठीक है, छोटा सा सिलेंडर बन जाएगा ना, बहुत ही गंदा डायग्राम बना दिया मैंने, बात समझ गए हो तुम लोग, बताता हूँ बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अगर ऐसा पाइप है ठीक है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को देखोगे तो यहाँ पे सबका वेलोसिटी कितना है, वी है, तो वी तो डेल्टा टी टाइम में ए पॉइंट मूव करके कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा ठीक है, इसी को मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एक्स ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, तो वी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, वी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, यानी अगर देखोगे तो डेल्टा टी टाइम में यही वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मूव करते करते यहाँ तक पहुंच गया होगा, यानी देखोगे तो इतना जो वाटर होगा, इतना वाटर ऑफ वॉल्यूम क्या किया होगा, इंटर किया होगा। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए लेंथ आपको पता चल गया है ठीक है, ए लेंथ कितना होगा, तो ए लेंथ होगा आपका डेल्टा एक्स और मल्टीप्लाई बाय इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूरे पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर देंगे इस पूरे पार्ट में जितना मास है वो आ जाएगा ठीक है। उसी को यहाँ पे बना रखा मैं कि अगर मास इन की बात करें तो वी वन इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एक्स आ गया, एक्स वन आ गया, मल्टीप्लाई बाय ए और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे हम लोग, रो कर देंगे, इतना मास क्या क्या होगा लिक्विड का, इन क्या होगा, क्लियर है? यस सर। इतना मास आपका इन क्या होगा, इतना ही टाइम में देखोगे तो यहां से क्या होगा, इसके दूसरे जो एंड है यहां से इतना ही मास क्या क्या होगा, डेल्टा टी टाइम में क्या कर गया, निकल गया होगा, यानी यहां से देखोगे तो डेल्टा टी टाइम में कितना मास आउट हुआ होगा ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वी टू है, तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा ठीक है, डेल्टा एक्स टू वो कितना हो जाएगा, तो वी टू इंटू डेल्टा टी, वी टू इंटू डेल्टा टी ठीक है। अगर मास ऑट की बात करें हम, कितना मास ऑट हुआ होगा, तो बोल सकते हैं वी टू इंटू डेल्टा टी, ये तो लेंथ आ गया, मल्टीप्लाई बाई ए कर देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मल्टीप्लाई बाई रो कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, मास आउट आ जाएगा। और आप जानते हो कि कोई भी मास अगर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है पाइप के अंदर ठीक है, अगर पाइप के अंदर कोई भी मास एक्यूमुलेट नहीं हो रहा तो जितना मास इन करेगा उतना ही टाइम में उतना मास क्या करेगा, आउट करेगा ठीक है, जितना टाइम में इन किया होगा उतना ही मास क्या करेगा, उतने टाइम में आउट करेगा, तभी यहाँ पे कोई मास क्या कर रहा होगा, एक्यूमुलेट नहीं कर रहा होगा। बोल सकते हैं सिंस देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ लिक्विड विद इन पाइप ठीक है, किसी तरह का लिक्विड यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए जितना मास इन होगा ठीक है उतना ही मास क्या होगा, आउट होगा ठीक है। मास इन इज इक्वल टू क्या होगा, मास आउट फॉर सेम टाइम इंटरवल ठीक है। तो मास इन कितना हो रहा है, मास इन हो रहा है, अगर हम लोग सरफेस एरिया ए पे बात करें तो यहाँ पे मास इन हो रहा है वी वन इंटू डेल्टा टी इंटू ए इंटू रो, और मास आउट कितना हो रहा है, तो रहा है वी टू इंटू ठीक है डेल्टा टी इंटू एरिया ऑफ सेक्शन ए टू इंटू रो, यहाँ पे ए वन लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन कितना है, ए वन है ठीक है।
यहाँ पे ईटो का स्ट्रक्चर ए वन है, यहाँ पे कितना है ए टू है, ठीक है। लिक्विड का डेंसिटी दोनों जगह पे सेम है, यहाँ से अगर देखोगे ठीक है तो डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, रो रो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, तो वी वन इंटू ए वन इक्वल टू कितना जाएगा, वी टू इंटू ए टू। यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया और उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होगा उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे भी कोई आप ले लेते हो, ठीक है, यहाँ पे एक नया क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हो, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वी थ्री है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए थ्री है, तो ए वन वी वन, ए टू वी टू और ए थ्री वी थ्री सब क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से आया ये, क्या आया आपका कंजर्वेशन ऑफ मास से, मास को हमने कंजर्व किया, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v2 इक्वल टू, ठीक है, a1 वन बाई ए टू इंटू वी वन, ठीक है। अगर देखोगे तो जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, कम रहेगा, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा यानी डिनोमिनेटर जितना कम रहेगा वेलोसिटी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। यानी देखोगे तो यहाँ पे जो v2 होगा, ठीक है, क्योंकि v2 into a2 और v1 into a1 दोनों क्या होना है, बराबर होना है, a1 v1 इक्वल टू कितना होना है, a2 v2 होना है, a2 कम है तो v2 क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। जैसे जैसे देखोगे तो जितना एरिया, अगर मान लो कि यहाँ से फ्लो क्या है, स्ट्रीमलाइन है, तो यहाँ पे देखोगे तो जब जैसे अब रिवर में फील किए होगे, ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे रिवर जो फ्लो कर रहा है, कहीं पे बहुत चौड़ा रिवर है, कहीं पे पतला है, फिर आगे जाके चौड़ा हो गया है, ठीक है, देखोगे तो जहाँ पे रिवर पतला होता है वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे जो फ्लो का स्पीड होता है वो तेज हो जाता है। फ्लो का स्पीड क्या होता है, तेज हो जाता है, ठीक है। इसी कारण जहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन कम होते जाएगा वो लिक्विड क्या करेगा, उतना ही तेज से क्या करेगा, फ्लो करेगा, उतना ही तेज से फ्लो करेगा। क्लियर है चीज? यस सर। वेरी गुड, दिल खुश कर दिया ऐसे बोल के, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड है, बोलता है कि एक पाइप है, ठीक है, यहाँ से कोई लिक्विड क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, और फिर आगे जाके जो पाइप है दो पार्ट में डिवाइड हो गया इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने पाइप वन नाम दे दिया है, इसको टू दे दिया है, और इसको मैंने थ्री दे दिया है। अब बोलता है कि जो थर्ड पाइप है वो सबका रेडियस दे रखा है, ठीक है, थर्ड पाइप का रेडियस दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि बाकी दोनों का भी रेडियस दे रखा है, पाइप वन का एंड पाइप टू का। बोलता है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप वन एंड टू, ठीक है। पाइप वन में जो वाटर फ्लो कर रहा होगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, और पाइप टू में जो वाटर फ्लो कर रहा होगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, दोनों आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, निकालो। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे, क्या होगा, तो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू इक्वल टू ए थ्री कितना होगा, वी थ्री, ठीक है। और ए थ्री और वी थ्री दोनों आपको दे रखा है, क्योंकि रेडियस अगर दे रखा है तो आपका इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ए अगर दिया रहेगा तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि वी वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ए थ्री by a1 into b3, और इस तरह से b2 is equal to कितना आ जाएगा, तो a3 by a2 इस तरह को equate कर देंगे into कितना आ जाएगा, b3 हो जाएगा। b3 दिया हुआ है, ठीक है, a1 a2 दिया हुआ है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, निकल जाएगा। यस सर, मैं छोड़ दे रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लेना आपने एरिया कैसे। हाँ सर, यहाँ पर जो V1 से जो जा रहा है वो दोनों जगह पार्शियली डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ,
तो सर दोनों का जो सम होगा v2 v3 उसके बराबर हो जाएगा ना वन क्या सर? वहां पर सर v2 और v3 है सर, उसके दोनों का सम के बराबर होना चाहिए ना v1। क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं में। अच्छा सम के, हाँ सर सम के बराबर होगा, सॉरी गलती कर दिया मैंने। कौन बोला, कौन बोला? प्रिया। अरे वाह, सम के बराबर होगा तुम्हारा चॉकलेट। हाँ ये मतलब क्या बोल रहा था मैं, ये तब होगा ठीक है, जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे सेम पाइपलाइन नहीं है ठीक है। अगर ये मान लो ऐसा होता ठीक है, यही पाइपलाइन कहीं मोटा होता और कहीं पे पतला होता ठीक है, तो अगर मान लो सेम पाइपलाइन होता ठीक है, तो हम लोग बोलते a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू कितना बोलते हम लोग a3 v3 ठीक है, अगर पाइपलाइन क्या होता सेम होता। मैं ही बताने के लिए क्वेश्चन दिया था, भूल गया मैं। A1 V1 मेरे दिमाग में चल रहा था, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3 तब होगा जब आपको सेम पाइपलाइन होगा, सेम पाइपलाइन होगा ठीक है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक पाइपलाइन आ रहा था और वही पाइपलाइन क्या हुआ दो पार्ट में डिवाइड हो गया ठीक है, तो यहाँ से जितना मास इंटर कर रहा होगा ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है, जितना मास यहाँ से इंटर हो रहा होगा उतना ही मास यहाँ से क्या कर रहा होगा बाहर निकल रहा होगा। जैसे मास इन की बात करोगे तो मास इन इतना लिखोगे, जबकि मास आउट की बात करोगे तो v2 into delta t into a2 into rho plus v3 into delta t into a3 into rho लिखोगे। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे तो जो फाइनली आएगा a1 v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा a2 v2 plus a3 v3, बाकी पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा। तो हाँ यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे a1 v1 इक्वल टू क्या लिखेंगे a2 v2 प्लस ए थ्री बी थ्री, ना कि इक्वल। क्लियर है? ऑफलाइन क्लियर चलो खिलाएंगे तुमको, ये सब चीज ध्यान दे दिया करो, लॉजिकल थोड़ा सा लॉजिकल ही है सब ठीक है, ये सब गलती करने लायक नहीं है। ये बात समझ में आया? हाँ ना बोलो, क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा a2 v2 इक्वल टू, सॉरी फिर इक्वल टू बोल रहा हूँ, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 प्लस a3 v3। तो इसमें आपका अननोन देखोगे तो दो अननोन हो गए, इक्वेशन एक हो गया, तो कुछ ना कुछ और दिया होगा मिसिंग लग रहा है मेरे को। इसमें एक और डाटा कुछ दिया होगा v1 v1 दिया होगा ठीक है, नहीं तो नहीं निकलेगा। कुछ तो दिया होगा, चलो इसमें क्वेश्चन अधूरा रह गया ये, इसमें कुछ ना कुछ आपको दिया होगा कितना मास यहां से इन कर रहा है कितना मास आपका आउट हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको दिया होगा ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम मान लेते हैं कि यहां से सपोज दैट ये जो पाइप वन है, पाइप वन से मान लेते हैं कि कुछ डाटा क्या दे दे, कुछ वेलोसिटी दे देता हूँ मैं टॉप ठीक है, वेलोसिटी दे देता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है सपोज दैट कि 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड है, तो बाकी दोनों ब्रांच में वेलोसिटी आपको निकालना है। अब तो निकल जाएगा, या फिर ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में, वेलोसिटी छोड़ो, वेलोसिटी तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको दे दे कि पाइप वन से
कुछ दे देगा आपको 400 या फिर ऐसे देखता हूँ कि 400 पाई, पाई लिखना तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 400 पाई ठीक है सेंटीमीटर क्यूब ठीक है पर सेकंड। अगर आपको फ्लो का आपको रेट दे रखा है कि इतना वॉल्यूम क्या कर रहा है यहाँ से, वाटर क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है ठीक है, ये जो आपका है वह क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दे रखा है ठीक है, कि कोई भी लिक्विड जो है उसका जो वॉल्यूम यहां से इंटर हो रहा है, सपोज दैट कि 400 पाई पर सेंटीमीटर, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड यहां से इतना वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है ठीक है। तो अगर पूछे बताओ फाइंड वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2 कितना होगा ठीक है, हम लोग वेलोसिटी ऑफ नहीं दे रखा हूं, v1 नहीं दे रखा हूं, ना ही v2 दे रखा हूं, इस वाले पाइप में आपको ठीक है इसका रेडियस दे रखा है और इसका वेलोसिटी दे रखा है, और यहां से कितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है ये अगर आपको दिया हुआ है तो v1 v2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा जरा बताओ सोच के। बताओ बताओ सर, रेट ऑफ फ्लो गिवन है। हाँ रेट ऑफ फ्लो ये गिवन है, दिया है मैंने डाटा, ये नहीं दिया रहेगा कोई ना कोई डाटा रहेगा तभी तो होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों नोन हो जाएगा ना, रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ मतलब इतना वॉल्यूम इंटर कर रहा है आपको पर सेकंड, तो यहाँ से वो निकलेगा इसका एरिया दिया हुआ है ठीक है, इसका वॉल्यूम निकल जाए सॉरी इसका वेलोसिटी निकल जाएगा v1, ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दिया हुआ है यहाँ से v1 फाइंड आउट हो जाएगा रेट, अरे इतना वॉल्यूम इंटर कर रहा है पर सेकंड इसका मतलब क्या हुआ, बड़ मारे ना अभी बताए v1 इंटू डेल्टा टी इंटू a1 ये क्या होगा, ये जो इतना होगा ये रेट ऑफ फ्लो ही होगा कि नहीं होगा जरा बताओ, जरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, अरे v1 इंटू डेल्टा टी, v1 इंटू डेल्टा क्या होगा डेल्टा x हो गया, और मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दोगे तो क्या निकल जाएगा वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, कितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे करो कि v1 into a1 ठीक है, तो v1 into a1 into delta t divided by delta t, ये क्या था इतना वॉल्यूम इंटर किया डेल्टा टी टाइम में, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, तो v1 into a1, तो v1 into a1 है क्या बेसिकली, तो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली v1 ना देखिए, आपको दिया हुआ क्या है ठीक है, आपको दिया हुआ है आपको ये जो 400 पाई दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है आपको v1 into a1, यहाँ से a1 पता है तो आपको v1 यहाँ से क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर है, v1 फाइंड हो गया, a1 पता है आपको, a3 v3 आपको दे ही रखा है, a2 पता है, v2 निकल जाएगा, यहाँ से पुट करोगे इस इक्वेशन में यहाँ से क्या आ जाएगा आपका v2 आ जाएगा, क्लियर है सर, निकल जाएगा। तो आज मैं बताना चाह रहा था अगर सेम ही पाइपलाइन हो ठीक है, अगर सेम ही पाइपलाइन हो कि एक पाइपलाइन यहाँ पे आपका चौड़ा हो गया है, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका पतला हो गया है, तो अगर पाइपलाइन सेम रहेगा, पाइपलाइन अगर सेम रहेगा ठीक है, तो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v2 है, यहाँ वेलोसिटी कितना है v3 है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन a1 है, यहाँ पे a2 है, और यहाँ पे a3 है, इस केस में क्या हो जाएगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू a3 v3, क्योंकि फ्लो क्या होगा तो रेट ऑफ फ्लो क्या होगा हर जगह पे सेम होना चाहिए, हर जगह पे रेट ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एंड इस क्रॉस सेक्शन से उतना ही मास निकलना चाहिए पर टाइम, जितना यहाँ से इंटर किया होगा जितना यहाँ से जाएगा, तीनों जगह पर रेट ऑफ फ्लो की बात करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो क्या होगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होगा सेम होगा, ऐसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। लेकिन अगर एक ही पाइपलाइन अगर दो पार्ट तीन पार्ट में बढ़ता है तो इस जो मेन पाइप का जो रेट ऑफ फ्लो होगा
दोनों को मिला के होना चाहिए, दोनों का सम करके, और भी पाइप रहेगा तो तीनों को मिला करके। मान लो कि ए भी पाइप आगे जाके क्या होता है, बढ़ जाता है दो पार्ट में, मान लो कि ए पाइप भी आगे जाके दो पार्ट में बढ़ जाता है, तो फाइनली क्या करोगे, यहाँ का जो फ्लो होगा, यहाँ का जो फ्लो होगा, और ये जो फ्लो होगा लास्ट वाला जो फ्लो होगा मेन पाइप का फ्लो क्या होगा, बराबर होगा। इस दोनों का फ्लो देखोगे, इस दोनों पाइप का फ्लो देखोगे, तो इस पाइप के फ्लो के बराबर होगा। क्लियर है? यस। ये है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें क्वेश्चन जो होता है बहुत सिंपल सिंपल होता है, ठीक है। इसमें बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर पाइप अगर डाइवर्ट होता है तो फ्लो हम लोग ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, वो है बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम क्या है? एक मिनट रुकना। पैर सुन हो गया, बैठे बैठे 1 तारीख से तो खुल रहा है ना जी, लेकर है कौन कौन घर भागा है। 1 फरवरी से शायद ऑफलाइन खुल जाएगा, पता है न्यूज़ है आज ही शायद। 1 फरवरी से खुल जाएगा सर, शायद खुल जाएगा, वैसे तो दिया है न्यूज, मैं भी देखा नहीं न्यूज, मतलब कोई मेरे को सेंड ही किया था, बता रहा था 1 फरवरी से खुल जाएगा सर, कोई पेपर पर नहीं देखा है। तो जो जो भागा है उसके लिए तो नुकसान हो गया, वापस आना पड़ेगा बोरिया बिस्तर लेके। चलो आते हैं हम लोग बर्नौलिस थ्योरम पे, ठीक है। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये आता है आपको बेस्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्या बोलता है, जैसे कि मान लो कि किसी ट्यूब से वाटर मान लो कि फ्लो कर रहा है, या फिर कोई भी लिक्विड क्या कर रहा है, इस ट्यूब से इस तरह से फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, हर एक वाटर क्या करेगा एक अलग अलग लाइन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहां से मान लो कि इस पाइप से किसी तरह का लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। लिक्विड क्या है तो हर एक पॉइंट देखोगे तो अलग अलग लेवल पे है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है इसका, अलग अलग है। क्रॉस सेक्शन एरिया सब क्या है इसका, अलग अलग है। तो बर्नौलिस क्या बोलता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट ए चाहे पॉइंट बी ले लें, चाहे कोई भी रैंडम पॉइंट हम लोग एक्स ले लें, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे, सपोज दैट पॉइंट ए पे बात करें, तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है, पॉइंट ए पे कैसा कितना है, तो पीए है, ठीक है। और इसको किसी एक रेफरेंस लेवल से, तो जरूरी नहीं है ग्राउंड, जैसे कि आप यहां से भी ले सकते थे, कोई भी एक रेफरेंस लेवल, फिलहाल के लिए मैं ग्राउंड ले लेता हूँ रेफरेंस लेवल, ठीक है। मान लो कि रेफरेंस लेवल ग्राउंड से इस पॉइंट का हाइट कितना है, इस हाइट है आपका h1, ठीक है। पॉइंट बी का हाइट मान लिया मैंने h2, ठीक है। कोई भी जनरल पॉइंट जिसका हाइट कितना है hx है, ठीक है। बोलता क्या है कि जो पीए प्लस रो इंटू जी इंटू h1, ठीक है, रो आपको पता है क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी आपको पता है क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट क्या है, तो हाइट है आपका रेफरेंस लेवल से, सारे पॉइंट का हाइट हम लोग एक ही रेफरेंस लेवल से लेंगे, ऐसा नहीं है कि इसका हाइट यहाँ से ले लिया, इसका हाइट कहीं और से ले लिया, सबके सब एक ही रेफरेंस लेवल से हाइट लेंगे, चाहे वो रेफरेंस लेवल यहाँ हो, ठीक है, चाहे यहाँ हो, चाहे कोई और आपने किया हो, चाहे ऊपर कर रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहीं भी रेफरेंस लेवल ले लिए, उस पॉइंट से उसका हाइट कितना होगा, प्लस हाफ इंटू रो अगेन क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट ए वी स्क्वायर। ये जो सम होगा तीनों का, ठीक है, ये तीनों सम क्या होगा, हर एक पॉइंट के लिए इक्वल होगा, यानी इसके वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर पॉइंट बी पे भी देखोगे, अगर प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस रो इंटू जी इंटू एच टू प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट बी की बात करें स्क्वायर, इसका जो सम आएगा, ठीक है, पॉइंट बी पे ये जो सम होगा और जो पॉइंट ए पे सम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे किसी भी रैंडम पॉइंट पे बात करें हम लोग पी एक्स पे, तो प्रेशर एट
एक्स प्लस रो इंटू जी इंटू एच एक्स प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी एट एक्स जो होगा, इसका सम करोगे तो इस तीनों का जो सम होगा वो क्या आएगा, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट आएगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन यही है बर्नौलीज थ्योरम कि p प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो इस तीनों का जो सम आएगा किसी भी लिक्विड के लिए क्या आएगा, सेम होगा। क्लियर है, ये आपका बर्नौली थ्योरम। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, कैसे आता है बर्नौली थ्योरम। पहले प्रूफ करने से पहले ये जो इक्वेशन है इसी को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं इसी इक्वेशन को मैं रो से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, रो से डिवाइड करता हूं, ठीक है, कि रो क्या है, तो रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। और जी भी क्या है, तो जी भी एक कॉन्स्टेंट है, इलेक्शन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी प्लस सॉरी पी डिवाइड बाई रोजी, ठीक है, पी डिवाइड बाई रोजी, यहाँ भी रोजी से डिवाइड करेंगे तो रोजी से डिवाइड करते यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा, ठीक है। यहाँ भी रोजी से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, टू जी। इक्वल टू भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट ही आएगा, कि कोई कॉन्स्टेंट था, मान लो सपोज दैट कोई कॉन्स्टेंट के था, और के में अगर आप डिवाइड कर दिए रो और जी से, ठीक है, तो रो और जी दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट बाई कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे अगर आप ऐसे भी लिखते हो ये चीज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। इसको भी लिखते क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। देखोगे तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, एच क्या है आपका, एच का अगर डायमेंशन की बात करें, एच क्या होगा, मीटर होगा। एच का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, मीटर होगा। ये क्या है, लेंथ है ना, हाइट है। एच क्या है आपका, किसी रेफरेंस लेवल से इसका हाइट है। एच क्या होगा, मीटर होगा। अगर मैं बात करूं मैं डायमेंशन की, इसका जो डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा, इसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा, लेंथ को आप किससे ऐड करोगे, लेंथ ही से ऐड करोगे, यूनिट डायमेंशन में पढ़ते हैं, ठीक है। अरे लेंथ को अगर ऐड करना है तो लेंथ के साथ आप टाइम तो नहीं ऐड कर सकते हो, लेंथ के साथ प्रेशर तो नहीं ऐड कर सकते हो, कभी देखे हो 2 मीटर प्लस 3 पास्कल, कभी नहीं देखते हैं। सेम डायमेंशन की चीजों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन की चीजों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब लेंथ को हम लोग लेंथ के साथ ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को हम लोग प्रेशर के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी के साथ ही ऐड करते हैं। वेलोसिटी को कभी एक्सेलरेशन के साथ ऐड करते देखा है क्या, नहीं। अगर ये चीज क्या है, अगर ये लेंथ है, ये सब भी क्या होगा, लेंथ ही होगा। ये सब का अगर डायमेंशन देखोगे तो क्या होगा, लेंथ ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पी बाई रोजी को इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग v स्क्वायर बाई 2g को, इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड, ठीक है। और ये तो सिंपल हाइट हो गया, ये तो सिंपल हाइट हो गया, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि प्रेशर हेड का मतलब क्या होता है और वेलोसिटी हेड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन के थ्रू इसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अभी बस जान के रखो कि P को हमको डिराइव भी करना है, ठीक है, इक्वेशन को। ये दोनों लेंथ ही है, लेंथ को ही लेंथ से ऐड करेंगे ना हम लोग। इसको बताऊंगा मैं प्रेशर हेड क्या होता है, वेलोसिटी हेड क्या होता है, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी बस जान के रखो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि प्रेशर हेड इस चीज को क्या बोल रहे हैं, प्रेशर हेड ये भी एक लेंथ है, क्योंकि लेंथ को ही लेंथ से ऐड करेंगे ना हम लोग। एच क्या था हमारा, एच हमारा रेफरेंस लेवल से हाइट है, रेफरेंस लेवल से हाइट है, ये हाइट है तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिट मीटर ही होगा। हाइट को भी हम लोग मीटर में मेजर करेंगे तो बाकी सब भी क्या होगा, लेंथ ही होगा।
ठीक है। और ये सिंपल एज क्या है, एज अपना हाइट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड ठीक है। अभी बस जान के रखोगे इसको हम लोग प्रेशर हेड बोले, जो प्रेशर वाला है उसको प्रेशर हेड, जो वेलोसिटी वाला है उसको वेलोसिटी हेड, और सिंपल जो हाइट है उसको हम लोग पोटेंशियल हेड बोले। इसके बारे में हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको कि क्या होता है इसका मतलब। अभी पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस जो बर्नौलिस इक्वेशन लिखे हम लोग, ठीक है, इस बर्नौलिस इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। बर्नौलिस इक्वेशन देख लो क्या है, तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, और इसको हम याद करके रखना है, ठीक है। देखते हैं ड्राइव कैसे होगा, कैसे ये इक्वेशन आया, कब तक क्लास चलता है, 6:20 तक ना, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लेता हूँ रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल से मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये आपका H1 हेड पे है, और ये जो पॉइंट है ये मान लेता हूँ आपका H2 हेड पे है, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे जो वेलोसिटी है लिक्विड का वो आपका कितना है, V1 है। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ, एलिमेंटल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि लिक्विड कितना है, V2 है। ये एलिमेंट है, बहुत छोटा एरिया लिया है मैंने, छोटा लेंथ लिया है, ठीक है, यानी ये दोनों देखोगे तो सेमी हाइट पे होगा, अलग अलग हाइट पे नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा लिया है, दिखाने के लिए डायग्राम बहुत छोटा रहेगा तो दिक्कत होगा, इसलिए मैंने इस तरह से इसको बड़ा दिखा रखा है। यहाँ पे पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, V1, यहाँ पे मैंने लिया है V2, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A2, ठीक है। यहाँ से लिक्विड क्या कर रहा होगा, इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर इसे देखोगे तो यहाँ पे अगर प्रेशर मान लेते हैं कि P1 है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1 है, यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं कि प्रेशर कितना है, P2 है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फोर्स की अगर बात करें हम लोग, कितना फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, तो फोर्स इज इक्वल टू, अगर F1 की बात करें तो कितना लगेगा, P1 into A1 लगेगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर प्रेशर P2 है तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा, P2 into कितना लगेगा, A2 लगेगा, ठीक है, P2 into A2 लगेगा। अगर देखोगे जैसे कि मान लो कि यहां से ये जो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वहां से वाटर क्या कर रहा होगा, इसमें फ्लो कर रहा होगा, लिक्विड पे क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। ये लिक्विड कितना मूव कर जाएगा, अगर डेल्टा टी टाइम की बात करें हम लोग, सेम टाइम इंटरवल की बात करें, तो सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है, ये जो एरिया कंस्ट्रक्शन है ये कितना मूव कर जाएगा, डेल्टा एक्स पर, जैसे वहां पे कर रहे थे, और ये वाला पार्ट कहाँ कितना मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा आपका डेल्टा एक्स टू, ठीक है। अगर देखोगे तो ये फोर्स आपका यहाँ पे जो लग रहा है P1, सॉरी, फोर्स जो F1 लग रहा है P1 into A1, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मूव कर गया है, डेल्टा एक्स वन। अगर बताओ, पूछो कि बताओ फोर्स F1 के कारण कितना वर्क किया गया होगा, तो वर्क डन बाय, अगर फोर्स F1 की बात करूं, ठीक है, वर्क डन बाय F1, F1 के द्वारा अगर हम बात करें कितना वर्क किया गया होगा, तो W1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो फोर्स कितना लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया फोर्स लग रहा है P1 into A1,
और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है डेल्टा एक्स वर्क, तो जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, तो एफ वन इंटू डेल्टा एक्स वर्क, फिर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा परपेंडिकुलर टू द कॉन्सेक्शन एरिया होगा, फोर्स भी क्या है परपेंडिकुलर, जिधर फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि हम डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, डेल्टा टी बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है उसके लिए बात कर रहे हैं, तो इतना फोर्स लगा एफ वन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डेल्टा एक्स वन, तो जो वर्क वर्क होगा फोर्स एफ वन का कारण कितना होगा एफ इंटू डेल्टा एक्स वन, क्लियर है। अगर एफ टू का वर्क देखें हम लोग, ठीक है, एफ टू का वर्क देखें, तो एफ टू क्या लग रहा है, तो एफ टू इधर से लग रहा है, ठीक है, एफ टू आपका इस साइड से लग रहा है, ठीक है, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर गया होगा, तो यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ गया है, यहां से डिस्प्लेस हो गए, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, यहां से यहां तक गया होगा, तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या क्या होगा, मैं एक्चुअली कंसीडर क्या कर रहा हूँ, तो यहां से लेके यहां तक का फ्लूइड कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, यहां से यहां तक का फ्लूइड को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यहां से मूव करके आपका यहां तक गया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया मूव करके यहां तक गया होगा, मानते हो, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया फोर्स कैसे लग रहा है, तो बाहर से लग रहा है कितना पी टू ई टू ए टू, और ये क्या कर गया, इस तरह से डिस्प्लेस कर गया है, अगर मैं वर्क बात करूं एफ टू द्वारा वर्क कितना होगा, तो माइनस ऑफ एफ टू इंटू डेल्टा एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स टू क्या कर गया हो, ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूव करके आप फोर्स क्या लग रहा था, ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स आपका लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा था ऑलमोस्ट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, जिधर क्यों डिस्प्लेसमेंट होगा उसका क्या होगा अपोजिट होगा, यानी देखोगे तो जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन हुआ कितना होगा, अगर हम नेट वर्क डन की बात करें, ठीक है, जैसे कि लिक्विड अगर मान लो, ये जो ब्लू वाला लिक्विड था, ये जो हमारा सिस्टम था, इस सिस्टम पर देखोगे तो डेल्टा टी टाइम में ये पूरा का पूरा जब ऐसे हो गया होगा, ठीक है, यहाँ रेट कितना हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया होगा, यानी ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है यहाँ तक मूव कर गया होगा, तो कितना वर्क करना पड़ा होगा इतना डेल्टा टी में, ठीक है, इतना टाइम में जो वर्क डन होगा, नेट वर्क डन की बात करें हम लोग, तो नेट वर्क डन होगा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन प्लस कितना हो जाएगा डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन कितना है, तो एफ वन इंटू डेल्टा एक्स वन माइनस ऑफ एफ टू इंटू डेल्टा एक्स टू, ये कितना हुआ है नेट वर्क डन आपका हुआ है, ठीक है, क्लियर है सर। डब्ल्यू टू नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि अरे इस सिस्टम को लिया ना मैंने, ये वाला सिस्टम लिया मैंने, ये सिस्टम की बात करेंगे, इस सिस्टम को, ठीक है, इस ये वाला फोर्स किधर से लग रहा होगा, इस साइड से लग रहा होगा, और इस सिस्टम पर देखोगे तो बाहर वाला फोर्स लगा रहा होगा ना, ठीक है, क्योंकि ए पार्ट क्या कर रहा होगा, इधर वाला देखोगे इधर फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, लिक्विड क्या कर रहा होगा, आई पर मूव कर रहा होगा, अगर पूरा इस सिस्टम को सिलेक्ट करो, इधर वाला फोर्स को तो इंटरनल हो गया ना, अरे इसी फोर्स, ये जो बाहर वाला फोर्स लगा रहा हो इसके अगेंस्ट क्या कर रहा हो, लिक्विड मूव कर रहा होगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा इधर से लग रहा होगा ना, एफ टू, ये समझे, जैसे कोई पाइपलाइन है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मैं सिस्टम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पाइपलाइन का इसके अंदर जितना भी लिक्विड है इसको मैं सिस्टम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये पाइपलाइन अगर देखोगे तो कैसे मूव कर रहा होगा, ये पूरा का पूरा लिक्विड कैसे मूव कर रहा होगा, इधर वाला फोर्स लगा रहा होगा आपका एफ वन, इधर वाला फोर्स कितना लगा रहा होगा एफ टू, क्योंकि इधर भी तो प्रेशर होगा ना, इस सिस्टम को बाहर देखोगे तो यहाँ का प्रेशर जो होगा इस पर क्या कर रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ का जो लिक्विड होगा क्या कर रहा होगा, इसको अंदर की तरफ प्रेस कर रहा होगा, क्लियर है, कि लिक्विड चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना, तो अगर यहाँ तक आप सिस्टम कर सकती हो तो ये बाहर वाला क्या कर रहा होगा, इसको लिक्विड क्या कर रहा होगा, इसको अंदर की ओर प्रेस कर रहा होगा, तो आप देखोगे तो थोड़े टाइम के बाद ये लिक्विड जो है, ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या कर गया होगा, आगे बढ़ गया होगा, इस पार्ट पे देखोगे तो कितना वर्क करना पड़ा होगा, इधर फोर्स लग रहा है एफ वन, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है, पहले यहाँ था यहाँ आ गया डेल्टा एक्स, इधर की फोर्स कितना लग रहा है एफ टू, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डेल्टा एक्स टू, तो वर्क कितना होगा, इसके लिए हो जाएगा पॉजिटिव वर्क, इसके लिए क्या हो जाएगा निगेटिव वर्क, क्लियर है, नहीं क्लियर, यस सर, ठीक है, तो वापस
आगे चलते हैं। F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो P1 into A1 into डेल्टा X1 माइनस F2 कितना हो जाएगा, तो P2 into A2 into डेल्टा X2। ठीक है, क्लियर है? अगर देखोगे तो A1 into डेल्टा X1, A1 into डेल्टा X1 और A2 into डेल्टा X2, ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, इसका वॉल्यूम है, इतने पार्ट का वॉल्यूम है, और ये कितना है, इतने पार्ट का वॉल्यूम है, ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही बोलता है ना, जितना वॉल्यूम इन करेगा उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, आउट करेगा। अगर इसका वॉल्यूम की बात करो तो डेल्टा भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो A1 इंटू डेल्टा X1, और इस वॉल्यूम की बात करें ये वॉल्यूम भी कितना होगा, तो A2 इंटू डेल्टा X2। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अभी पढ़ के आए हम लोग, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 B1 बोले, या फिर इसको ले सकते हैं ना, B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा X बाय डेल्टा T, डेल्टा X बाय डेल्टा T, उससे हम लोग A2 इंटू B2 क्या ले सकते हैं, हम लोग डेल्टा X बाय डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा T डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी तो आ जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 into delta X1 is equal to कितना हो जाएगा, A2 into delta X2, यानी जितना volume enter करेगा उतना ही volume क्या करेगा, बाहर भी जाएगा, density तो same है ना, जितना mass in करेगा उतना mass out होगा, obvious बात है कि mass in कितना होगा, तो V in into density, mass out कितना होगा, V out into कितना होगा, density, तो density से cancel हो गया, यानी जितना volume in करेगा water का उतना ही volume क्या करेगा, out करेगा, इतने volume, जितना volume in करेगा मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोसेक्शन इनटू डेल्टा X1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, एरिया ऑफ कोसेक्शन A2 इनटू डेल्टा X2, ये भी क्या होगा, तो जितना वॉल्यूम इन करेगा उतना वॉल्यूम क्या करेगा, आउट करेगा, इसी चीज को यहां पे यूज कर रहे हैं, क्लियर है चीज? यस सर, उसी चीज को बोल रहे हैं, यहां से देखोगे तो A1 इनटू डेल्टा X1 कितना है, तो यहां से यहां तक का वॉल्यूम है, और A2 इनटू डेल्टा X2 देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक का वॉल्यूम है, ये दोनों वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा, हम लिखेंगे ऐसे P1 into delta V, या फिर डायरेक्टली लिख लेता हूँ P1 minus P2 into कितना हो जाएगा, delta V हो जाएगा, यहाँ पे delta V equal to कितना हो गया आपका, A1 delta X1 equal to A2 delta X2, क्लियर है? ये आपका आ गया वर्क डन, इतना आपने वर्क किया है। अगर मैं बात करूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, फ्लूइड का जो स्पीड है वो क्या है, चेंज हो रहा है, फ्लूइड का स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि चेंज काइनेटिक क्या होगा, तो पहले हम लोग सिस्टम क्या लिए थे, तो सिस्टम हम लोग यहां से लेके यहां तक लिए थे, यहां से लेके यहां तक लिए थे, क्लियर है? और बाद में जब मूव कर गया, तो मूव करने के बाद कहां से आया, तो यहां से लेके यहां चला गया, ठीक है, तो अगर देखोगे तो यहां पे जो लिक्विड होगा, इस वाले को पार्ट के लिए बात करें, ठीक है, यहां से बात करें, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक की बात करें, ठीक है, इसका से लेके यहाँ पे जितना भी लिक्विड होगा, जितना पहले वेलोसिटी होगा उतना ही क्या होगा, बाद में वेलोसिटी होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या करता है, चेंज नहीं करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट होगा, ये जो ग्रीन से बनाया मैंने, ये पार्ट तो चेंज नहीं हुआ, इसका जो वेलोसिटी पहले होगा उतना ही अभी भी होगा, यानी इस पार्ट का काइनेटिक एनर्जी चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो पार्ट था पहले किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब ये पार्ट किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग पूरे सिस्टम की बात करें, ये पूरा जो ब्लू वाला पार्ट है, पूरा जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी, और यहां से जो रेड वाला पार्ट कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है, रेड यहां तक है, इसका काइनेटिक एनर्जी, दोनों काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखोगे तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो तो क्या है, कॉमन है, यहां से लेके यहां तक पार्ट देखोगे तो कॉमन है, लेकिन देखोगे तो ब्लू वाला पार्ट में इस पार्ट का काइनेटिक एनर्जी, और जो रेड वाला पार्ट में ए वाला पार्ट की काइनेटिक एनर्जी,
दोनों का स्पीड क्या है, अलग अलग हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, चेंज हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, चेंज हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कितना चेंज होगा, तो डेल्टा के इक्वल टू, ठीक है, तो हाफ इनटू, देखो दोनों का मास तो सेम ही होगा, इसका मास और इसका मास, दोनों का मास कितना होगा, सेम ही होगा। तो मैं मास मान लेता हूँ कितना, कुछ डेल्टा एम मास है, ठीक है, डेल्टा एम वन इंटू कितना हो जाएगा, तो वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू कितना हो जाएगा, वी वन का स्क्वायर, ठीक है। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है और इसका पार्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना है, सिर्फ इतने ही पार्ट कंसीडर किए हैं, बीच वाले पार्ट को हम कंसीडर नहीं किए, कि बीच वाला पार्ट हमारा क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ से लेके जो ग्रीन वाला पार्ट बनाया है मैंने, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो जितना पहले काइनेटिक एनर्जी था उतना ही अब भी काइनेटिक एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज हमारा नहीं होगा। जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ होगा सिर्फ स्टार्टिंग वाला पार्ट का और एंड वाला पार्ट का, उसका स्पीड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर हम इस सिस्टम की बात करें जो हमने लिया था, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज की बात करें, ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मानते हो? नहीं, हाँ नहीं, कुछ नहीं बोलो तुम लोग, बेकार इतना भूख रहे हैं। और सर मास कितना तक का लिए है? मुझे पता था, इसलिए देखो ये पाइपलाइन है, वापस से समझो, ठीक है, मैंने यहां से लेके यहां तक सिस्टम लिया, सपोज दैट, अब डेल्टा टी टाइम के बाद क्या आ रहा है, मैं दूसरा लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, सेम ही है, डेल्टा टी टाइम के बाद क्या होगा, तो ए वाला पार्ट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया है, और ए वाला पार्ट कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। यानी देखोगे तो ए पार्ट यहाँ से मूव करके इतना आगे चला गया है, और ए पार्ट यहाँ से मूव करके पहले क्या था, यहाँ पे था, ए पार्ट मान लो कि इतना आगे चला गया है, ठीक है। अब अगर देखोगे तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें सिस्टम का, तो पहले हमारा सिस्टम क्या था, ए से यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टम था, ठीक है, अब ये पूरा क्या हो गया, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ आ गया है, अरे वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, इसमें जितना भी पार्टिकल होगा सबका स्पीड, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, ब्लू से पेंट कर लेता हूँ, यहाँ तक की बात करें, ठीक है, क्योंकि अब जो लिक्विड है हमारा, वो हमारा लिक्विड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो थोड़ा आगे बढ़ गया है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, ये लिक्विड तो क्या है, सेम ही है ना, जैसे पहले था, जैसे पहले था, अभी भी क्या है, वैसे ही है। यानी इसका पहले जितना वेलोसिटी होगा, अभी भी इस पॉइंट पर उतना ही वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी यहाँ भी होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट का देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज करता नहीं है, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहेगा, चेंज ही रहेगा, अनचेंज रहेगा, हर एक पार्ट का वेलोसिटी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज की बात करेंगे, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा और इस पार्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन पहले लिक्विड क्या था, तो पहले लिक्विड आपका यहाँ से शुरू हुआ था, पहले लिक्विड यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। अब ये लिक्विड जो है यहाँ से मूव करके क्या चला गया है, आगे चला गया है, ये वाला अंदर गया होगा, यहाँ वाला बाहर आया होगा, यही डिफरेंस है ना इनिशियल और फाइनल में। इसी के मास की बात कर रहा हूँ, डेल्टा एम, तो जितना मास यहाँ से यहाँ तक गया होगा, ठीक है, उतना ही मास ये आया होगा आगे, अगर इसको आप कंसिडर कर लो एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यहाँ से देखोगे जितना मास इंटर किया होगा उतना ही मास बाहर गया होगा ना, क्योंकि इस एरिया के अंदर देखोगे, इस पार्ट के अंदर देखोगे तो कोई चेंज नहीं आया है, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले था वही रहेगा। लेकिन देखो इसका जो वेलोसिटी था वो कितना था, वी वन था, और यहाँ पे जो वेलोसिटी कितना है, वी टू है, इस पार्ट का जो वेलोसिटी है क्या हो गया, चेंज हो गया, बोल सकते हैं इस पार्ट का जो वेलोसिटी हो क्या हो गया, चेंज हो गया है, वी वन से कितना हो गया, वी टू हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड क्या करेगा, ओवरऑल चेंज कर जाएगा। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बाकी लोग, किसको किसको नहीं आया, इतना देर से बकबक कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, मत बोलो। यस सर, आ रहा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज की बात करेंगे तो देखो दोनों मास सेम ले लिया मैंने, डेल्टा एम, डेल्टा एम, ठीक है, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, क्योंकि ये जो एरिया लिया हमने, ये जो डेल्टा
ये बहुत छोटा लिया है, तो हमने सबका मास वेलोसिटी क्या कर रखा है, सेम कर रखा है। ठीक है, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की बात करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा लिक्विड का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सेम बात है। ये पहले मान लो कि पूरा का पूरा मास क्या था, एच वन हाइट पे था, अभी पूरा का पूरा मास कहाँ चला गया, एच टू हाइट पे चला गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एम इंटू जी इंटू एच टू माइनस डेल्टा एम जी इंटू कितना हो जाएगा, एच वन हो जाएगा। मानते हो डिफरेंस क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं ना है, सिंपल क्या हुआ, यहाँ से ये मास गायब हुआ और यहाँ पे मास आ गया, यही ना हुआ है। अगर देखोगे पाइप वाइज देखोगे तो पाइप में यहाँ से लेके यहाँ तक तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, सिंपल क्या हुआ है तो कुछ टाइम के बाद देखोगे यहाँ से मास आपका गायब हुआ और यहाँ पे मास आपका क्या हो गया, आ गया, यही हुआ है ना। डेल्टा टी टाइम से पहले देखोगे तो पहले देखोगे तो मास यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है, फ्लूड क्या था, यहाँ से लेके यहीं तक था, यही फ्लूड डेल्टा टी टाइम के बाद क्या हो गया है, तो डेल्टा टी टाइम के बाद आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अगर डिफरेंस देखो तो डिफरेंस क्या आया होगा, यहाँ से यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं आया होगा, डिफरेंस क्या आया होगा, तो डेल्टा टी टाइम के बाद ये जो मास है यहाँ से हट के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यही ना हुआ है। अगर हम पूछे बताओ सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ होगा, तो यही बात देखेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो देखेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ है, आपको तो यही लगेगा ना, यहाँ से उठा के इसको वहां पुट कर दिया गया, पहले इतना मास था वी वन से मूव कर रहा था, अब मास उतना ही मास क्या कर रहा है, वी टू से मूव कर रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया। ठीक है, इतना मास पहले एच वन डिस्टेंस एच वन हाइट पर रखा हुआ था, अब कितना है, एच टू हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है? अब देखोगे तो आपने बहुत ज्यादा गंदा किया मैंने, अब आप देखोगे तो इस पे आपने वर्क डन निकाल लिया लिक्विड पे, लिक्विड पे जो वर्क डन हो रहा है कितना हो रहा है, ठीक है, साथ साथ आपने निकाला कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है किस तरह से चेंज कर गया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, आप बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ क्या होगा, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, होगा कि नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जो वर्क डन होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, होता है, बोल गया सर, नहीं होता, यस सर, ठीक है। तो आपको वर्क डन पता है, साथ साथ आपको क्या पता है, आपने निकाल लिया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, क्लियर है। तो वर्क डन इक्वल टू आपका आ गया था पी वन माइनस पी टू इंटू डेल्टा बी, पी वन माइनस पी टू इंटू डेल्टा बी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो हाफ इंटू, ठीक है, डेल्टा एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू वी वन स्क्वायर, देखा ना कहीं गलती ना करूं, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, तो डेल्टा एम इंटू जी इंटू एच टू माइनस डेल्टा एम जी इंटू कितना आ जाएगा, एच वन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। बस अब क्या करता हूं मैं, डेल्टा वी से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, डेल्टा वी से हो गया सॉल्व हो गया, तो अगर डेल्टा वी से अगर डिवाइड करता हूं तो कितना जाएगा, पी वन माइनस पी टू इक्वल टू, ठीक है, हाफ इनटू डेल्टा एम बाय डेल्टा वी, डेल्टा एम बाय डेल्टा वी इनटू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ इनटू डेल्टा एम बाय डेल्टा वी इंटू वी वन स्क्वायर प्लस कितना बार लिखूं, डेल्टा एम बाई डेल्टा वी इंटू जी इंटू एच टू माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा वी इंटू जी इंटू कितना जाएगा, एच वन। अब देखो ये है क्या, ये था आपका इसका मास था, ठीक है, इसका मास था, और डेल्टा वी क्या है, इसका वॉल्यूम है, तो मास बाय वॉल्यूम करोगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि इसी पार्ट का वॉल्यूम कितना था, डेल्टा भी था, इसी पार्ट का मास कितना है, डेल्टा एम है, ये क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एम बाई डेल्टा भी कितना आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा, ये आपका आपका डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। देखो जरा क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ, पी वन, ठीक है, पी वन प्लस, देखो माइनस क्या है आपका, तो हाफ इंटू रो इंटू वी वन स्क्वायर, मैं इधर ले आ रहा हूँ, कितना आ जाएगा ये, हाफ इंटू रो इंटू कितना हो जाएगा, वी वन स्क्वायर, ठीक है, इधर कितना है, तो माइनस ऑफ रो इंटू जी इंटू एच वन है, इसको मैं राइट सॉरी लेफ्ट साइड लाऊंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो रो इंटू जी इंटू एच वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पी टू प्लस, कितना बच गया यहाँ पे, ये माइनस पी टू था हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी टू स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या बच गया आपका, रो इंटू जी इंटू एच टू, यही आपका क्या था, इससे क्या हमने दो पॉइंट लिया, हमने कोई भी पॉइंट लेते, ठीक है, हर पॉइंट पे आपका क्या आता, ऐसा ही आता, किसी भी दो पॉइंट को उठाओगे, ठीक है, हर पॉइंट पे देखोगे तो ये जो सम है हर पॉइंट पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी किसी भी पॉइंट के लिए देखोगे तो पी प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कैसे आया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि लिक्विड पे जितना भी वर्क करेंगे, ठीक है, वर्क क्या होगा, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, इसलिए बोला कि ये जो इक्वेशन है आता कहाँ से है, बेस्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्यों बताया था, कितना भी सिस्टम पे कोई भी सिस्टम पर अगर काम करते हो, ठीक है, तो सिस्टम पे जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, तो डेल क्यू प्लस डेल यू के बराबर हो जाएगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही क्या करोगे, सिस्टम पे आप वर्क करोगे, ठीक है, क्लियर है। ये बात समझ में आया? यस ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि निष्कर्ष कब शुरू होता है तुम लोग का, टाइम है ना थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूँ ये समझोगे तुम लोग। जैसे अगर आप देखते होगे कि जब बहुत तेज आंधी उंधी आता है, ठीक है, बहुत तेज अगर हवा को चलता है, तो इस तरह का जो घर होता है, ठीक है, इसका जो रूप होता है वो आप देखो उड़ जाता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, जैसे कि मान लो कि हवा जब नहीं चल रही थी, ठीक है, क्योंकि अगर देखो जैसे कि लिक्विड हमने लिया है ना, ये सेम इक्वेशन हम लोग गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब अगर डेंसिटी ये सब चेंज आपका नहीं कर रहा हो, ठीक है, डेंसिटी अगर चेंज नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो हम लोग गैस के लिए भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर देखोगे तो जरा देखना एयर में क्या होता है, अगर मान लो कि एयर नहीं चल रहा था, तो अगर बाहर भी एयर और नॉर्मल एयर देखोगे तो यहाँ भी प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, और यहाँ भी प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट पी नॉट। जैसे क्या होता है कि एयर इधर से चलना शुरू किया तेजी से, ठीक है, अगर एयर इधर से तेजी से चलेगा तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, देखो मान लो सेम हाइट पे है, सेम लेवल पे है, जितना ज्यादा वेलोसिटी अगर मान लो कि ए वाला कंपोनेंट बढ़ता है, ठीक है, ए कंपोनेंट बढ़ता है, तो ए देखोगे तो इसके बराबर तभी होगा, तो बाकी चीज घट गया घटा हुआ होगा। अगर मान लो कि हाइट क्या है, सेम है, ठीक है, सेम ही हमने हाइट ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे देख लोगे सेम ही हाइट है, तो पहले इधर प्रेशर कितना था, पी नॉट था, इधर प्रेशर कितना था, पी नॉट था, तो ऊपर नीचे दोनों में बराबर फोर्स लग रहा था, चीजें क्या था, बैलेंस था। अब देखोगे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गया है, तेज हवा से वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है प्रेशर क्या होगा, घट गया होगा, तो बाहर का देखोगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ गया होगा, तो बाहर जो प्रेशर था, ठीक है, वो क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है, तो बाहर प्रेशर डिक्रीज करेगा, जबकि अंदर वाला प्रेशर क्या था, अंदर वाला एयर तेजी से मूव नहीं कर रहा है, अंदर वाला एयर तो क्या है, अभी भी स्टिल है, अंदर जो प्रेशर था वो कितना है, पी नॉट ही है, क्योंकि ये चीज तो चेंज नहीं हुआ है, ना वेलोसिटी चेंज हुआ है ना प्रेशर चेंज हुआ है, लेकिन बाहर क्या हुआ है, स्पीड बढ़ जाने से प्रेशर क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, ये क्या करता है, उड़ जाता है, इस तरह से क्या होता है, उड़ जाता है। या फिर देखोगे कि जो फुटबॉलर लोग, ठीक है, जैसे फुटबॉल मारता है या फिर क्रिकेट में बॉल फेंकता है, ये स्विंग करते हुए आता है इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर स्विंग कर जाता है, और भी तरीके से बहुत तरीके से स्विंग करता है, ठीक है, ये भी आपका नॉलेज के थ्रू क्या होता है, एक्सप्लेन होता है,
कि ये क्यों इस तरह से, देखोगे ना मेसी मारता है तो क्या होता है, इधर से उधर चल जाता है, रोनाल्डो मारता है तो क्या होता है, देखो कभी फुटबॉल मैच देखने तो जाने तो हो गए, ठीक है। यहाँ से किक करता है, ठीक है, किक तो इधर किया है लेकिन मूव करते हुए इस तरह से कर्व पाथ में मूव करता है, ठीक है। ये भी हम लोग नॉलेज के थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, या सोच के आना कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। या फिर देखोगे कि मान लो कि दो बस चल रहा है इस तरह से, ठीक है, दो बस मान लो कि इस तरह से चल रहा है, काफी तेजी से बस चल रहा होगा, तो ये बस क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोलिजन हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत तेजी से एक बस और दूसरे बस क्या करे क्रॉस करे, ठीक है, तो आपस में क्या करता है कोलाइड हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। सेम देखोगे ये वाला सोच के आना, ये बताता हूँ। जैसे देखोगे तो पहले प्रेशर मान लो पी 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 था हर जगह पे, अब जैसे कि यहाँ वाला जो एयर होगा, ठीक है, यहाँ वाला जो एयर होगा और ये दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे को, एयर क्या जाएगा इसका स्पीड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बस इधर जा रहा है ये बस भी इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, इधर के एयर के कंपेरिजन में यहाँ पे जो एयर होगा उसका जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। देखो इधर भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों बस इधर मूव कर रहा है तो इस कारण यहाँ पे जो एयर होगा उसका स्पीड क्या करेगा ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। स्पीड अगर ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो क्या होगा इसके कंपेरिजन में ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। इधर प्रेशर अगर ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा तो ऑब्वियस बात है ये जो प्रेशर होगा इधर प्रेशर ज्यादा होगा इसको क्या करेगा फोर्स ज्यादा लगा देगा, इधर क्या करेगा इधर से आने का चांसेज रहेगा, ठीक है, कोलाइड करने का चांसेज रहेगा। क्लियर है? सेम चीज होता है अगर मान लो कोई बोट अगर कोई रिवर में या फिर ओशन में इस तरह से जा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बोट हो तो छोटा मोटा बोट में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बोट हो तो आपस में इस तरह से कोलाइड होने के चांसेस रहते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये भी हम लोग नॉलेज से एक्सप्लेन कर पाते हैं। या फिर जो एरोप्लेन है कैसा उड़ता है, ठीक है, उसका डायनेमिक्स कैसा होता है, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है कि ऊपर में इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ऊपर वाला एयर को स्पीड क्या करता है ज्यादा कर देता है, ठीक है, तो नीचे वाला जो एयर रहता है वो क्या रहता है स्टिल रहता है, तो नीचे से प्रेशर क्या मिलता है ज्यादा मिलता है, ऊपर से प्रेशर क्या रहता है कम हो जाता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, इसके कारण एयर क्या करता है सॉरी प्लेन क्या करता है एयर में फ्लाइट करता है। इस सब क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आप सोच के आना, ठीक है, ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, कुछ और पूछना है? नहीं, जा सकते हो।